हेलो फ्रेंड्स, रिंकूज किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे राजस्थानी गट्टे की सब्ज़ी। ये बहुत ही जल्दी से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं गट्टे की सब्ज़ी बनाना। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 कप बेसन, इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अजवाइन, इसे क्रश करके डालेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी और 2 चम्मच घी। और इन सब चीज़ों को अच्छे से सबसे पहले तो मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है ऐसे। इसमें डालेंगे दही और अब इसमें हम आटा गूंथेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके चाहिए उतना ही डालना है और एक टाइट डो गूंथना है। ये देखिए कुछ इस तरह का। इसे हम थोड़ा सा घी लगा के एक बार ग्रीस कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा टाइट डो रेडी है। अब दोनों हाथों को ग्रीस कर ले और एक मीडियम साइज़ का लोया लेंगे। इसे अब हम हाथों की मदद से सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से। और बस ऐसे ही मैंने ये सारे लोए प्रिपेयर करके रख दिए हैं। अब एक तरफ पानी गर्म रख देंगे। पानी में उबाल आने के बाद ये सारे लोए हम इसमें डाल देंगे कढ़ाई में और इसे अच्छे से उबलने देंगे। तो यहाँ पर हमारा उबाल आ गया है और हम नाइफ से चेक करेंगे तो ये पक गया है। दूसरा है, इसके ऊपर जो छोटे छोटे बबल्स आ गए हैं ना, इसका मतलब हमारे गट्टे पक गए हैं और इसे अब निकाल के ठंडा होने देंगे। ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो दही में डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा और धनिया पाउडर। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से टेक्स्चर हो जाएगा। और अब यहाँ पर हमारे गट्टे भी ठंडे हो गए हैं तो इन्हें हम कटिंग कर लेते हैं। तो जैसा आपको चाहिए, मोटा पतला वैसी शेप में हम कट कर लेंगे। तो बस ये हमारे गट्टे रेडी है। अब तड़के की तैयारी करते हैं। तो डालेंगे 2 चम्मच घी। राजस्थानी सब्जी है तो घी में ही बनेगी। इसमें डालेंगे तेज पत्ता, जीरा, सौंफ, सूखी लाल मिर्च, हींग और हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक। इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से सौते करने के बाद इसमें हम दही का ग्रेवी डालेंगे और इसे कंटिन्यूस हिलाना है। एक उबाल आने तक इसे कंटिन्यूस हिलाते रहना है, नहीं तो हमारा दही जो है वो फट सकता है। तो ये कंटिन्यूस हिलाएंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे पानी और इसे अच्छे से मिक्स करके फिर से एक उबाल लाएंगे। इसमें डालेंगे नमक, गरम मसाला, कसूरी मेथी और अब इसमें एक उबाल आने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक अच्छा सा उबाल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो गट्टे काट के रखे हुए थे ना, इसे हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से एक बार हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे और इसमें फिर से एक बार अच्छा सा उबाल आने देंगे। तो ये देखिए एक बढ़िया सा उबाल आ गया है। बस हमारी गट्टे की सब्जी तैयार है। गैस को ऑफ करेंगे और धनिया से इसको गार्निश कर देंगे और इसे सर्व कर देंगे गर्मा गर्म। तो देखिए हमारी बढ़िया सी राजस्थानी गट्टे की सब्जी तैयार है। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो मुझे ज़रूर से बताना। मिलते रहेंगे ऐसी ही यमी यमी रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू, बाय बाय।